This is an ABP Life podcast. भारत और चीन के बीच तनातनी यूं तो चलती ही रहती है, लेकिन चीन की तरफ से लगभग हर एक महीने या दो तीन महीने पर कुछ न कुछ उकसावे की हरकतें जारी हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले उसने अरुणाचल के कुछ जगहों के नाम बदल के जारी किए और अब हिंद महासागर में उसके तीन जहाज जासूसी के जो उसने शोध के नाम पर भेजे हैं वो खड़े हैं। इस मसले पर हम बात करेंगे ओम प्रकाश दास जी से। वह मनोहर पर्रिकर इट्सा इंस्टीट्यूट में रिसर्च फेलो हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चीन बाज तो नहीं ही आ रहा है, लेकिन ये तीन जहाजों का क्या मतलब है? देखिए, हम जानते हैं कि चीन आधिकारिक तौर पे बहुत ही इस तरह का देश है जहां सूचनाएं बहुत कम आती हैं, आती भी तो हैं तो जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है या सरकार से जुड़ी मीडिया संस्थानें वहां से जुड़ी जानकारी आती है। जो उपलब्ध जानकारियां हैं मीडिया में और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ मीडिया एजेंसीज ने जो रिपोर्ट किया है रॉयटर जैसी संस्थाओं ने, वो ये स्पष्ट तौर पर इस बात को सामने रखते हैं कि एक तरह का ये सर्वेक्षण वेसल्स या कहें कि इस तरह के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए जो जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है उस तरह के ये जहाज मिलता है। हमें इसे एक वृहत या परिदृश्य में देखने की जरूरत है। जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हम जानते हैं हिंद प्रशांत महासागर का पूरा क्षेत्र है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है और इस बीच में हम जानते हैं कि तमाम गतिविधियां संचालित होती हैं और सुरक्षा के नज़रिए से, व्यापार के नज़रिए से, दोनों नज़रिए से ये क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील है। और ये वो क्षेत्र भी है, चाहे हम दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक के क्षेत्र को देखें, ये वो इलाके हैं जहाँ पे कई चीन के अपने एसेट्स हैं और या कई ऐसे आधारभूत ढांचे का विकास कर रहा है। मसलन भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत नज़दीक जो म्यांमार का द्वीप है कोको आइलैंड, वहाँ पे उसने सर्वेक्षण के अपने उपकरण तैनात किए हैं। इसके अलावा हम जानते हैं जिबूती में उनका अपना एक नौसेना का वहाँ पे अड्डा भी है। इसके अलावा हम जानते हैं कि दक्षिण चीन सागर में 9-लाइन को लेकर जिस तरह की संघर्ष चलते रहते हैं, कई देशों के साथ ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं जो समुद्र के जो वहाँ पे संसाधन या समुद्री सीमा जो हम कहें EEZ के अलावा, और जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं हिंद महासागर क्षेत्र में, यहाँ पे हम जानते हैं ये बृहद क्षेत्र है जहाँ का चीन जो सूचनाएं हैं वो ये कहती हैं कि चीन यहाँ का जो समुद्र के अंदर की जो भौगोलिक स्थिति है, जिस तरह के वहाँ पे हाइड्रोग्राफिक इश्यूज हैं, उसको वो पूरी तरह से समझना चाहता है ताकि भविष्य में अगर इस तरह के वेसल्स तैनात करने हों, चाहे वो पनडुब्बी हों या दूसरी तरह के जो ड्रोन्स होते हैं जो पानी के अंदर काम करते हैं, तो अंदर की जो पूरी संरचना है वो उससे वाकिफ हों। ये मोटे तौर पे चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर बड़ा परिदृश्य देखें तो ये साफ तौर पर आता है कि ये जो पूरा हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है, ये कई इलाके ऐसे हैं जहां पे चीन अपने दावे करता रहा है और अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है और एक तरह से इस पूरे इलाके को बेहतर समझना चाहता है ताकि आने वाले भविष्य में वो एक एज के साथ यहाँ मौजूद हो। जी जी। और एक जहाज उसने मालदीव के पास रखा है। मालदीव के जो प्रेसिडेंट जीते हैं वह भारत विरोध की अपने पूरे प्लैंक पर ही जीते हैं और बहुत चीन के साथ उनका दोस्ताना भी बढ़ा है। इसके अलावा एक जहाज है जो पानी के अंदर कई किलोमीटर नीचे भी रह सकता है और वो पनडुब्बी की तैनाती से लेके आगे जो भी केबल बिछाने से लेके और समंदर के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। इससे भारत को कितना खतरा है और भारत को कितनी सतर्कता बरतने की जरूरत है? ये जो आप बात कर रहे हैं ऐसा इक्विपमेंट जो पानी के अंदर रह सकता है, इस तरह के इक्विपमेंट्स पहले से ही मौजूद हैं और ये कोई जहाज नहीं है बल्कि अनमैन्ड या मानव रहित उपकरण है जो बहुत लंबे समय तक पानी की तलहटी के आसपास 12 किलोमीटर जैसा आपने बताया वो सर्वेक्षण का काम कर सकते हैं। अंदर के पूरे जो जमीन, जो सी बेड जिसको हम बोलते हैं, वहां पे वो मौजूद रह सकते हैं। ये अनमैन्ड
इस तरह के उपकरण होते हैं, इस तरह के उपकरण इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो ये एक तरह की उसी प्रक्रिया को एक तरह से देखने की जरूरत है। ये आशंका हमेशा रहती है कि क्या इस तरह के हाइड्रोग्राफिक सर्वे का कोई रणनीतिक क्या कोई महत्व होता है, क्या भारत जैसे देश जो जो सी ऑफ पर्ल्स जो जिस तरह के आशंकाएं जताई जाती हैं, जिस तरह से भारत के आसपास जिस तरह के नौसैन्य अड्डे या बंदरगाहों पे जिस तरह से चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, वो एक निगरानी वाली बात होती है, वो एक आशंका वाली बात होती है। मोटे तौर पे अगर इसको रणनीतिक स्ट्रेटजिक नजरिए से देखें तो हमें बस ये समझना है कि क्या जो भारतीय नौसैनिक वेसल्स उनकी गतिविधियां हैं, जो भारतीय सैन्य बलों की गतिविधियां हैं, क्या उन इस तरह की कोई कोशिश हो सकती है या हो रही है जो उनकी निगरानी करे, सतत निगरानी करे, यहां तक कि भारतीय क्या पनडुब्बियां हैं वो जब भ्रमण करती हैं, वो जब तैनात की जाती हैं, और खासकर हम जानते हैं इस समय किस तरह से रेड सी से लेकर हौती विद्रोहियों तक और जिस तरह से हमास इसराइल जो संघर्ष है, इन सब स्थितियों को लेकर और पायरेट्स की जो अपनी समस्या है उसको लेकर भारत कैसे मुखर रूप से सामने आया है। भारत ने न सिर्फ अपने जहाजों को सुरक्षित किया है, बचाया है इन सब मुश्किलों से, बल्कि कई विदेशी जहाजों को, जो मालवाहक जहाज हैं उनको, उनकी भी रक्षा की है, उनको भी बचाया है। तो जिस तरह से भारत एक तरह से फ्रंट फुट पे अपनी क्षमता के अनुसार सामने खेल रहा है, क्या उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्या उन पे निगाहें रखी जा रही हैं, और क्या इसका रणनीतिक आने वाले वक्त में इसका प्रतिफल हो सकता है, इस पे जरूर एक आशंका रहती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो हमें बताती है कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे और इस तरह की चीजों पे चीन बहुत ही जोर दे रहा है इस पूरे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में। जी, चीन की जो ख्याति है कोट अनकोट वह कुछ इस तरह की है कि वह अमूमन अपने जितने भी पड़ोसी देशों के साथ उसकी सीमा है कोई ना कोई विवाद उसका है ही। अभी उसने आसियान देशों के साथ भी समुद्री क्षेत्र में ही पंगा लेके रखा है, और इसके साथ भारत जिस तरह आपने बताया कि नौसेना भारत की जिस तरह मुखर होकर लड़ रही है, या जिस तरह से भारत का उस क्षेत्र में दबदबा बढ़ा है या भारत की गतिविधियां बढ़ी हैं। आपसे एक बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि अगला युद्ध शायद समंदर में ही लड़ा जाएगा, इस पर थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, मोटे तौर पे जो आपने आसियान की बात की, हमें समझना चाहिए कि जो 9 डैश लाइन या कहें कि जो दक्षिण चीन सागर में जो सीमाओं को लेकर जो एक तरह के संघर्ष और विवाद है, हम जानते हैं ज्यादा विवाद फिलीपींस को लेकर है, कुछ विवाद वियतनाम के साथ भी है, मलेशिया के साथ भी है, कुछ देशों के साथ है, लेकिन सबसे मुखर तौर पर जो विवाद है फिलीपींस, और उसमें हम जानते हैं फिलीपींस के जो कोस्ट गार्ड हैं और चीन की जो नौसेना है, इनके बीच में कई बार झड़पों की भी खबरें हैं, मसलन कि एक दूसरे के जहाज़ों को वापस भेजने की धमकी देना या वाटर जेट का इस्तेमाल करना, इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार। और ये पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जब गया था हेग में, तो वहां जो फैसला आया था साल 2016 में वो फिलीपींस के पक्ष में आया था, लेकिन उस फैसले को अभी तक चीन ने माना नहीं है। तो ये एक मसला हम जानते हैं, ये बहुत ही ऐसा मसला है जहां पे आसियान देश बहुत सतर्क रहते हैं, लेकिन चीन की जो रणनीति रही है वो रणनीति रही है कि वन टू वन, यानी एक एक देश के साथ वो अपने हितों की बात करे और एक समूह के तौर पे आसियान तक वो न उलझे, बल्कि द्विपक्षीय तरीके से इन मसलों को हल किया जाए। और हम जानते हैं कि एक विवाद का क्षेत्र इसलिए भी बनता जा रहा है कि यही वो क्षेत्र है जहाँ पे जो क्वाड है वो भी अपनी सक्रियता वहाँ पे मौजूद है, ऑकस जो गठबंधन बना है वो भी इस क्षेत्र में ही मूलतः सक्रिय है। तो ये क्षेत्र आप देखिए जो वैश्विक जो रणनीति, जो राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स है, भू राजनीति है, उसका एक तरह से बहुत संवेदनशील हिस्सा है। और ये याद रखिए कि यही वो हिस्सा है जो पूर्वी एशिया का क्षेत्र है, जहाँ ताइवान के साथ भी बहुत एक तरह के संघर्ष की स्थिति देखी जाती है कि भविष्य में क्या ऐसी हो सकती है, और वहां भी अमेरिका एक बड़े प्लेयर की तरह है, क्योंकि ताइवान का पूरा समर्थन
अमेरिका करता है, चाहे रक्षा तैयारियों की बात हो, फिलीपींस जैसे देशों को भी बहुत रक्षा तैयारियों को लेकर, वियतनाम को भी अमेरिका काफी समर्थन की बात करता है, काफी सहयोग की बात करता है, थाईलैंड जैसे देश काफी अमेरिका से अपने इक्विपमेंट लेते हैं, हालांकि थाईलैंड चीन से भी इक्विपमेंट्स अपने रक्षा जो उत्पाद है वो लेता है। तो एक तरह से देखें तो जो वैश्विक भू राजनीति है वो एक तरह से इन समुद्री क्षेत्रों को लेकर है, और वहाँ जो बड़ी शक्तियां हैं, सुपर पावर हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, भारत हो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये तमाम बड़े देश उनकी रुचि है और उनके अपने हित हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जहां पे जरूर नजर आता है कि ये संघर्ष की स्थिति अभी आने वाले वक्त में तो हल होती नहीं दिखाई देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।